वेलकम अगेन मेरे इस चैनल पे। सो आज आप लोगों के सामने है टाटा के अल्ट्रोज, अपने सेगमेंट के सबसे ज़्यादा बिकने वाला कार जो कि डार्क एडिशन टॉप एंड वेरिएंट का मैं आप लोगों को डिटेल में रिव्यू देने जा रहा हूँ। सो आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मैं वही चाहता हूँ। सो वीडियो का भी मज़ा लीजिए और कार खरीदने से पहले ज़रूर चेक कीजिएगा फीचर्स एंड कंफर्ट। इसे टाटा कहते हैं अपने सेगमेंट के सबसे ज़्यादा फीचर्स लोडेड कार। सो आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स आते हैं इस कार में अपने सेगमेंट के हिसाब में। और बिल्ड क्वालिटी वाइज तो आप लोगों को मालूम है टाटा अपने बिल्ड क्वालिटी में कभी पीछे नहीं रहते हैं, 5-स्टार रेटिंग के साथ। देन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रंट से। सबसे पहले फ्रंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्रिल जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्लैक कलर के साथ एंड टाटा की बैजिंग साइड पे। सो कलर तो ये डार्क एडिशन मुझे अच्छा लगा। नीचे देखिए कार का लुक्स और प्रीमियम स्पोर्टी डिज़ाइन करने के लिए दिया गया है। एंड यहाँ पे देखिए ये है प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड कॉर्नरिंग लैम्प। एंड यहाँ पे ये देखिए फॉग लैंप्स की प्लेसिंग यहाँ की गई है। सो काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये जो कॉर्नरिंग लैंप है, आपको अंधेरा में अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड देंगे। एंड एरोडायनामिक डिज़ाइन के साथ यहाँ पे क्रोम के साथ आपको डार्क की बैजिंग देखने को मिलेगा क्योंकि डार्क एडिशन है। ORBM भी आपको बॉडी कलर में देखने को मिलेगा और यह है इंडिकेटर। फिर टायर साइज़ आपको R14 डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा शाइनी ब्लैक डिज़ाइन के साथ। डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा है। और यह है की एंड यहाँ से आप लॉक अनलॉक बूट वगैरह और फॉलो मी हेडलैम्प की जो फीचर्स है यहाँ दी गई है, काफ़ी अच्छा फीचर्स। एंड सबसे अच्छी बात ये बैंड दिया गया है ताकि आप विदाउट की भी आपके हाथ में ये बैंड होगा तो आप कार को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, स्टार्ट स्टॉप वगैरह काफ़ी चीज़, और साथ ही साथ अपना हेल्थ एंड टाइम भी देख सकेंगे आप। काफ़ी अच्छा फीचर्स, ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा टाटा मोटर्स। ये कीलेस एंट्री के फंक्शंस यहाँ पे, रिफ्रेश सेंसर्स और जो ये LED टेल लैम्प, इसके डिज़ाइन देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, एग्रेसिव लुक है काफ़ी, ब्लैक एंड रेड कलर। वाइपर डिफोगर एंड हाई स्टॉप टेल लैम्प वगैरह, रियर स्पॉइलर ताकि कार का स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा अच्छा मेंटेन रहे। अल्ट्रोज की बैजिंग ब्लैक में देखने को मिलेगा। 2 सेंसर्स यहाँ पे आ जाते हैं एंड रिफ्लेक्टर्स। रियर से देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। यह है माइक्रो एंटीना जो कि फ्रंट की ओर प्लेसिंग की गई है। फ्यूल टैंक 37 लीटर का जो टैंकी दिया गया है यहाँ पे एंड 18.53 की माइलेज आपको देखने को मिलेगा जो कि अपने सेगमेंट में अच्छा है। चलिए आप इंटीरियर देखते हैं अंदर क्या क्या फीचर्स दिया गया है। सबसे पहले देखने में आपको काफ़ी ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा इंटीरियर भी। केबिन का लुक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है डार्क कलर के साथ। यहाँ पे वही पावर विंडो की स्विचेस वगैरह दिया गया है एंड जो हैंडल है काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, इसका कलर भी जो है ब्लैक में दिया गया है। यहाँ से ORBM का आप एडजस्ट कर पाएंगे जो ग्लास दिया गया है। सो बटर होल्डर्स एंड सीट जो है लेदर का दिया गया है, मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल लेदर की जो पॉकेट टाइप डिज़ाइन में सीट दी गई है ताकि आपको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो ड्राइव करते समय। एंड बैठ के देखते हैं यहाँ पे, ये है पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप कीलेस फंक्शंस की एंड 7-इंच के जो कनेक्टेड टाटा के कनेक्टेड फीचर्स के साथ ये टच स्क्रीन दिया गया है।
और यहाँ पे आपको 8 स्पीकर्स देखने को मिलेगा, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे कुछ स्टोरेज दिया गया है एम्बिएंट लाइट के साथ, आप अपना सामान यहाँ रख पाएंगे, 12 वोल्ट के सॉकेट जहाँ से आप अपना मोबाइल चार्ज कर पाएंगे, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी जैसे फंक्शंस दी गई, काफ़ी अच्छा फीचर्स। डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा, स्टेयरिंग व्हील डी कट के साथ, एंड ये भी पूरा ब्लैक कलर, एंड इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल वगैरह यहाँ दी गई है विद टाटा की बैजिंग के साथ। एंड यहाँ पे आपको टिल्ट स्टेयरिंग की फंक्शंस देखने को मिलेंगे, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर पाएंगे। आजकल सभी गाड़ियों में ये फीचर्स लोडेड दी गई है, ये IRBM डे एंड नाइट, एंड रीडिंग लैंप जो कि LED में देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसिंग एंड सनग्लास होल्डर्स वगैरह, ये देखिए काफ़ी स्मूथ ग्लोसी डिज़ाइन के साथ डैशबोर्ड, साथ में आपको यहाँ पे जो कि काफ़ी बड़ा सा कूल ग्लोब बॉक्स देखने को मिलेगा। देखिए साइज़ कितना बड़ा है, आप काफ़ी ज़्यादा अपना ठंडा वगैरह कैन वगैरह यहाँ रख पाएंगे विद। आपको अंदर में लैंप भी देखने को मिलता है, बूट लैंप कहेंगे इसे, जो कि ग्लोब बॉक्स लैंप मैंने पहली बार देखा है। और यह है एम्बिएंट लाइट जो इंटीरियर का लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। आपको हर जगह में अल्ट्रोज की बैजिंग देखने को मिलेगा, यहाँ भी अल्ट्रोज की बैजिंग है, एंड यहाँ पे एक बटन है, ये कि ये जो फीचर्स है जो कि आपका कार धूप में खड़ा है तो क्विक कार को ठंडा करने के लिए ऐसा फीचर्स दिया गया है टाटा ने। ये मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं एम्बिएंट लाइट, जो मैनुअल ट्रांसमिशन नीचे भी आपको एम्बिएंट लाइट की जो रोशनी है दिखाई देंगे। एंड यहाँ पे 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक मैनुअली एडजस्टेबल जो है आप मैनुअली एडजस्ट कर पाएंगे, स्लाइडेबल हैंड रेस्ट विथ नीचे की तरफ, यहाँ पे स्टोरेज भी देखने को मिलेगा कैसा खोलता है, रुकिए मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। वेट, सो फाइनली खुल गया, ये है स्टोरेज, यहाँ भी आप कुछ अपना सामान छोटा मोटा रख पाएंगे, काफ़ी अच्छा फीचर्स है। चलिए रियर की तरफ देखते हैं, पीछे यहाँ से आप खोलेंगे, जैसे स्विफ्ट न्यू मॉडल स्विफ्ट में भी इसी प्रकार से दिया गया है। एंड इंटीरियर देखिए पीछे से कैसा लग रहा है, यहाँ पे ग्रैब जो हैंडल है काफ़ी अच्छा है, पावर विंडो की स्विचेस, एंड यहाँ पे भी कुछ पॉकेट्स वगैरह दिया गया है, सीट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए हेड रेस्ट एडजस्टेबल है, बैठ के देखते हैं, यहाँ पे भी हैंड रेस्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा है, सो आपको लॉन्ग राइड में काफ़ी ज़्यादा मदद आएंगे। ये एसी बैंड विद चार्जिंग पॉइंट एंड एडजस्टर दिया गया है ताकि आप पीछे का पैसेंजर भी काफ़ी अच्छा से बैठ सके। लुक्स वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है इंटीरियर, देखिए काफ़ी ब्लैक कलर के साथ, सो काफ़ी ज़्यादा कलर के साथ अवेलेबल है। ये वाला कलर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, ब्लू टाइप कलर काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है। आप लोगों को कोई सा भी कलर पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, एंड नीचे कमेंट में आप लोगों को सेल्स का नंबर मिल जाएगा ताकि आप उसे कॉन्टेक्ट कीजिए फॉर कार, अगर आपको परचेस करना होगा या कुछ भी चीज़ आप पर्सनली पूछना चाहो तो ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको। बूट खोल के दिखाऊंगा फाइनली, बूट स्पेस कितना है इस कार का। सो बूट स्पेस है 345 लीटर्स विद पार्सल ट्रे, जो कि काफ़ी काम आने वाला चीज़ है, देखिए काफ़ी मैसिव सा बूट स्पेस, एंड यहाँ पे बूट लैंप भी प्रोवाइड किया गया है ताकि और भी आप अंधेरा में इजीली एक्सेस कर पाएंगे। नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील एंड टूल्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड यही तक था मेरा वीडियो इस कार के बारे में, अगर आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही सलामत रहे, बाय।